चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। बॉलीवुड के सलमान खान की फिल्म एक था टाइगर सुपर हिट रही थी और आजकल इसके सीक्वल पर जोर शोर से काम चल रहा है। सलमान खान और कटरीना कैफ ने काफी हद तक शूटिंग पूरी कर ली है। फिल्म को मोरक्को, दुबई, ऑस्ट्रेलिया और मुंबई में शूट किया गया है। कुछ दिन पहले मीडिया से सलमान ने कहा था कि मोरक्को के बाद फिल्म को अबू धाबी में शूट किया जाएगा। फिल्म का टीजर पोस्टर भी जारी कर दिया गया है। इस पोस्टर से साफ है कि अगले साल क्रिसमस पर फिल्म रिलीज किया जाएगा। सूत्रों पर यकीन माना जाए तो अबू धाबी में फिल्म का क्लाइमेक्स शूट होगा। यही नहीं, हफ्ते भर पहले कटरीना कैफ मोरक्को से टाइगर जिंदा है के शेड्यूल का पूरा करके मुंबई लौटी थी। वो दो दिन के लिए मुंबई रुकी क्योंकि उन्हें आनंद एल राय की अगली फिल्म की कुछ तैयारी करनी थी। उन्होंने वर्कशॉप का आयोजन भी कर रखा था। उन्होंने यह काम कर पूरा कर वो लौट चुकी हैं। अब खबर आ रही है कि वो अबू धाबी के लिए निकल चुकी है। उनसे जुड़ी सूत्रों से इस बात का इशारा कर रही है कि अबू धाबी में फिल्म की क्लाइमेक्स शूट होगी। उधर सलमान खान की भी बिग बॉस से जुड़े कुछ काम पूरा करके अबू धाबी के लिए निकल चुके हैं। आपको बताते चले कि एक था टाइगर 2012 में रिलीज हुई उनकी फिल्म सुपर डुपर हिट रही है। सलमान खान की कथित पूर्व गर्लफ्रेंड कटरीना कैफ के साथ उनकी जोड़ी दर्शकों ने बेहद ही ज्यादा पसंद किया है। अब एक बार फिर से उनके फैंस को टाइगर और जोया की जोड़ी के लौटने का इंतजार कर रही है।